हेलो गाइस, इट्स मी तनुजा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ मैंने जो भी परचेस किया हुआ है अमेजन से वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें बेसिक आइटम भी इंक्लूड है, लाइक ट्राउजर भी इंक्लूड है, जींस भी इंक्लूड है। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है और कहीं भी डिस्काउंट होगा और आप एक बार आपका नज़र चला भी जाएगा ना तो आपको मन करेगा परचेस कर लेने का, जो मेरे साथ होता है। मतलब कहीं भी डिस्काउंट होता है और तनुजा वहाँ ऑलरेडी रहती ही है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मतलब देखो, अगर कहीं मिंत्रा में डिस्काउंट चल रहा है, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया मिंत्रा में डिस्काउंट चल रहा है, तो तनुजा को पता बताने का भी जरूरत नहीं है, तनुजा वहाँ रहेगी ही। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, अगर देखो, अगर आप रजिस्टर किए हुए हो अमेजन फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे, कुछ भी डिस्काउंट चलता है वो आपको नोटिफिकेशन जरूर भेजेंगे। आप उसे खोल के देखोगे कि आखिर कितना डिस्काउंट चल रहा है, क्या मतलब कितना प्राइस घटा है, कितना प्राइस क्या हुआ है, ये वो। अगर आपको भी शॉपिंग करना पसंद है, देखते देखते में ही आपका दिमाग चेंज हो, आपको लगा कि चलो कर लेते हैं, ये परचेस कर लेते हैं, ये मेरे पास नहीं है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये मेरे पास नहीं है, इतना सस्ता प्राइस वाला मेरे पास नहीं है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी मुझे चाहिए और प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो कहीं बाद में ऐसा प्राइस का मिला या ना मिला, तो वैसे ही मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ भी सेम वही कंडीशन है यार। अगर मैं देख लेती हूँ ना कि कहीं पे भी डिस्काउंट चल रहा है, देन मेरे माइंड में पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ ना कुछ परचेस करते हैं, ये इतने सस्ते प्राइस में मुझे कहीं नहीं मिलेगा, तो मतलब वो हो ही जाता है, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है इसके कारण। चलो अब इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बात करना अगर स्टार्ट किए तो ये तो बढ़ते ही चला जाएगा, ये बात कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे स्कूल के टाइम में मैं कहीं पे भी बैठी हुई रहती थी ना, तो किसी के साथ भी मैम मुझे बैठा देती थी, लाइक बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के साथ, पता नहीं मैं क्या बात करती थी, मुझे अभी याद नहीं है, बट उस टाइम मैम को क्या लगता था, मेरे पेरेंट्स को मैम यही कॉल करके बताती थी, मेरा कंप्लेंट यही करती थी, इसको जिसके साथ भी बैठाओ उसके साथ भी ये बात करना स्टार्ट कर देती है, बतक्कर है ये वो। This is too much. मतलब तो इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ, अगर मैं एक बार स्टार्ट हो जाती हूँ ना तो वो खत्म ही नहीं होता है, तो इसलिए पहले ही बोल देते हैं चलो वीडियो को यहीं, मतलब इस बात को यहीं खत्म करो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। मेरा फर्स्ट आइटम शेयर करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये जो रेड कलर का बटन यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको प्रेस कर दो, बस दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है मेरे फैमिली में जुड़ने के लिए, बस उसको प्रेस करना है, दैट्स इट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, माय फर्स्ट आइटम इज व्हाट आई हैव गॉट इज दिस जीन्स। ये मैंने जीन्स परचेस किया हुआ है, ये स्क्रीन पर नेम डाल दूंगी, आपको उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा जीन्स है। तो ये ब्लैक कलर का है, मतलब थाइस पे फिटेड रहता है, बस नीचे पे थोड़ा सा बस ऐसा रहता है, मतलब ये फ्लेयर वाला में ही रहता है, बट इसको शायद बॉटकट जीन्स ऐसा कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नेम। तो ये अकाचिक ब्रांड का है ये, इसमें मेरा साइज है 28, बट ये मुझे थोड़ा सा फिट हुआ है, दूसरा साइज आउट ऑफ स्टॉक है, सो मैंने इसे रख लिया है क्योंकि ऐसा जींस मुझे चाहिए था, तो इसलिए, और इसमें कोई साइज ही नहीं है, तो फिर मुझे ये थोड़ा फिट हो रहा है, नॉर्मल मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है, उतना भी ज़्यादा फिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने रख लिया, मैंने रिटर्न नहीं किया। अकाचिक का है ये और ये ब्लैक कलर में है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, आप देख सकते हैं क्वालिटी स्ट्रेचेबल है, इसे मैं पहनती हूँ तो बहुत अच्छे से फिट हो जाता है मेरे पैर में, थाइस पे, जो मैंने पहले बताया ये थाइस पे फिट रहेगा, नीचे में थोड़ा सा लूज रहेगा, तो उसी तरह का थाइस पे ये मुझे बहुत अच्छे से फिट होता है, नीचे थोड़ा लूज होता है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट धोने के लिए नहीं दिया हुआ है, मतलब एक बार धोने के बाद पता चलता है क्वालिटी कितना अच्छा है और कितना ख़राब है, तो इसलिए मैंने अभी तक इसे धोया नहीं है, वॉश नहीं किया, तो इसलिए मुझे इसका कलर का तो समझ नहीं आ रहा, इसका कलर ब्लैक कलर है, बट ये जाएगा या नहीं जाएगा वो मुझे नहीं पता है, बट एक बार अगर धो लूँगी मैं इसे फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूँगी। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, आप उसे आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं कुछ कंटेंट वीडियो बनाती रहती हूँ। 824 रुपीज़ में मिला है, विच इज़ मेरे को लगा थोड़ा ये महंगा है, बट ये अकाचिक ब्रांड थोड़ा महंगा ही ब्रांड है,
इसमें आप चेक करोगे तो इसमें थोड़ा महंगा ही आता है, मतलब 500 के अंदर नहीं आता है। और ये का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये डेनिम मटेरियल है, बट डेनिम में भी ये थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। माय फर्स्ट आइटम ये ब्लैक कलर का है और इसमें एक आगे बटन है, चैन है, सब जीन्स की तरह यहाँ पे दो पॉकेट है, पीछे दो पॉकेट है और इसमें मेरा साइज है 28। क्वालिटी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं है, बट हाँ थोड़ा महंगा है कोटी ब्रांड से, बट क्वालिटी भी उससे थोड़ा अच्छा है। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट आइटम, चलिए मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ। अच्छा नहीं लगा है वो है, मैंने इसे मरून कलर में साइट पे चेक किया था, बट ये मुझे कोई और डिफरेंट कलर ये रिसीव हुआ है, मतलब ये पर्पल वाला थोड़ा मिक्स है, पर्पल मरून कलर मिक्स है वैसा ये रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं ये इस कलर में। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इसका जो ऊपर में ये जो इन्होंने दिया है रबर दिया है इन्होंने, वो बहुत अच्छा है। इसमें पॉकेट भी है विच इज़ वेरी गुड पॉकेट है, तो और क्या चाहिए ट्राउजर में। नीचे भी सेम वही जो ऊपर में दिया हुआ उन्होंने रबड़ वाल लगाया हुआ फिटेड के लिए, वो सेम ऊपर नीचे दोनों है। और इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, मतलब मटेरियल क्वालिटी में कोई भी शक नहीं है। और इसका ब्रांड आई थिंक अमेजन का खुद का ब्रांड है, सिंबल ब्रांड है इसका, आप देख सकते हैं अभी भी टैग लगा हुआ है, सिंबल ब्रांड है। क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट ये मुझे थोड़ा लूज हो रहा है, तो इसमें मैंने इसका एम साइज मंगवाया तो मुझे एस मंगवाना चाहिए था, तो पर ये ठीक है। अगर नॉर्मल आप घर में पहनना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है, और नॉर्मल आप इसे मार्केट में पहन के जा सकते हो, मतलब घर वाला कपड़ा से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, आप इसे मार्केट में पहन के जा सकते हो, विच इज कूल। तो ये मेरा सेकंड आइटम है, बहुत सॉफ्ट है गाइस, देख लो आप बहुत सॉफ्ट है, और प्राइस 480 रुपीज़ है, विच इज आई थिंक ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक है प्राइस भी ठीक है। इसका ब्रांड है सिंबल ब्रांड, तो चलिए मैं आपको इसे आप पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस मूविंग टू द थर्ड आइटम व्हाट आई हैव गॉट, अगेन ब्लैक कलर का जीन्स, बट ये बॉयफ्रेंड जीन्स है, आप देख सकते हैं ये नीचे से भी फैला हुआ है और ऊपर भी फैला हुआ है, ये फिटेड नहीं है, ये बॉयफ्रेंड जीन्स है। ये कोटी ब्रांड का है, जैसा मैंने आपको बताया है कोटी ब्रांड का, बट ये दोनों में मटेरियल में अगर देखें तो ये ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, ये थोड़ा उतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल नहीं है इसका क्वालिटी के वाइज अगर देखा जाए तो, और ये स्ट्रेचेबल भी नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेचेबल भी होता है, देखिए आप ये ऐसे हो रहा है, बट ये इसका क्वालिटी मतलब ठीक है, बट उसका ज़्यादा अच्छा है स्ट्रेचेबल सॉफ्ट में अगर आपको चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मेरा साइज़ है 30 और ये 40 ब्रांड का है, मैंने इसका 28 मंगवाना चाहा था क्योंकि ये हाई वेस्ट है, तो आपको तो पता है मुझे हाई वेस्ट 28 आता है, बट मैंने उनके पास 28 नहीं था इसलिए मैंने 30 ही परचेस कर लिया, बट 30 इज ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है 30 साइज में ही। और इस प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो ये 480 रुपीज़ का है, तो उसमें बहुत अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो वर्थ है, कोई भी शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड भी करती हूँ अगर आपको लेना हो तो। ये तीनों में से आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, तीनों रिकमेंडेबल है, बहुत अच्छा क्वालिटी ये तीनों में ही। और इसका जो आगे से एक बटन है और आगे दो पॉकेट है, पीछे दो पॉकेट है, और ये बॉयफ्रेंड जीन्स है, और बहुत मतलब थोड़ा ढीला है बट बहुत अच्छा लगता है आपको, उतना देख के नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा लूज पहने हुए हो, वैसा कुछ भी नहीं लगेगा, कम्फर्टेबल है, थोड़ा लूज है तो चलेगा क्योंकि वो कंफर्टेबल होना चाहिए बस। तो और ये मुझे 480 रुपीज़ में मिला है, मतलब इससे सस्ता क्या चाहिए, इससे सस्ता कुछ हो भी नहीं सकता है, पहला बात तो 480 रुपीज़ में आपको मिल रहा है बॉयफ्रेंड जीन्स, और क्या चाहिए भाई। Thank you.
So guys, moving to the second last item of this haul is this jogger. ये मैंने परचेज किया है अमेजन से, और जैसे सेम मैंने आपको पिछले वाला दिखाया था सेम ये भी उसी तरह है. ओनली द डिफरेंस इज कलर इज डिफरेंट एंड द माई साइज इज डिफरेंट. उसमें क्या था, मैंने परचेज किया था इसको मैंने ऐसे क्योंकि मुझे देखना था मेरे पे कौन सा अच्छे से फिट होता है, तो इसलिए मैं उसे एक्सचेंज करवाने के लिए डालने वाली हूँ. मैं ऐसे परचेज तीनों को एक्सचेंज करवाने वाली हूँ पहला बात तो, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए. तो मैंने ऐसा तीन पैंट ऑर्डर किया है 480 रुपीज में, और द मटेरियल इज वेरी गुड. द मटेरियल क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, बट आई थिंक ये धोने पे थोड़ा लूज हो जाए, जो मतलब वो कपड़ा आता है ना जो लूज हो जाता है धोने पे, तो वो उस तरह का ये मटेरियल है इसका कपड़ा का. बट ये बहुत अच्छा लुक देता है, आप देख सकते हैं ये आगे से ऊपर से इस तरह इलास्टिक है, ये आपके कमर पर अच्छे से फिट हो जाएगा. एंड फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो जैसे पिछले बार दिखा था सेम वैसे ही बॉटम, क्योंकि वही है कलर, बस पीच कलर है, और ये ब्रांड सिंबल ब्रांड है एंड माई साइज इज एस, और ये 999 का है, बट ये मुझे मिला है 480 रुपीज में, विच इज ठीक है, अच्छा है, मतलब 50% डिस्काउंट उन्होंने दिया है. तो गाइज ये है मेरा सेकंड लास्ट आइटम, तो चलिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. क्वालिटी इसमें का भी बहुत अच्छा है, बस कलर डिफरेंट है, खादी कलर है, प्राइस 480 रुपीज, साइज एस. तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट. इफ यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोडेड अ न्यू वीडियो. और गाइज सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो, अगर आपको इस हॉल से कुछ भी आपको परचेस करना हो तो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय.